बच्चों बच्चों आज हम करेंगे जो आपका चैप्टर है ईंटों से बनी इमारत, उसका जो अभ्यास कार्य के सवाल हैं उनकी रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर एक क्या है। एक ईंट के पृष्ठ होते हैं, तो आपने ये बताना है कि जो एक ईंट है उसके पृष्ठ कितने होते हैं, और पृष्ठ को क्या बोलते हैं हम। पृष्ठ मतलब सरफेस बोलते हैं, जो उसकी सतह है उसे बोलते हैं ये। तो सबसे पहले ईंट को देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये ईंट का चित्र है, तो हमें ये बताना है कि इसके जो सरफेस हैं जो है वो सतह कितनी है। तो हमें ये बताना है कि ये इसकी सतह कितनी है, मतलब पृष्ठ कितने हैं। तो बच्चों एक तो ये हो गया इसका, है ना, और दूसरा जो पृष्ठ है वो ये है, दो सतह होगी, फिर एक इस तरफ है, तीन। तो हमें तीन नजर आ रही हैं। तो आप देखो कि अगर एक ऊपर है तो एक कहाँ नीचे भी होगी, है ना, तो वो होगी चार नंबर। ऐसे जो हमें सामने नजर आ रही है तो उसके ऐसे ही दूसरी तरफ भी होनी चाहिए, ये यहाँ पर होगी। और आप अगर ईंट को देखो तो वहाँ पर होती है, ये पाँच है, और जैसे ये वाली है ये, तो इसके अपोजिट दूसरी साइड में भी होनी चाहिए, यहाँ पर होगी, है ना, तो ये छः। तो अगर हम कहें तो इसकी जो पृष्ठ हैं, जो सतह है, सरफेस है, वो कितने हैं, वे छः होते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, तो ये आप भर देंगे। अगला चलते हैं। यदि एक ईंट की कीमत 15 रुपये है, कितनी है हमारे पास, जो एक ईंट है उसकी कीमत दे रखी है 15 रुपये, और 20 ईंटों की कीमत कितनी रुपए होगी। तो ये इकाई का सवाल है, और वैसे भी आप जान लोगे एक ईंट की कीमत कितनी है, चाहे इसको लिख लीजिए एक ईंट की कीमत, जो एक ईंट है उसकी कीमत हमें दे रखी है बच्चों कितनी, 15 रुपये। तो हम निकाल लेंगे 20 ईंटों की, तो 20 ईंटों की निकालनी है तो उसको हम, ये ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये आ जाएगा 20 ईंटों की कीमत निकालने के लिए 15 से गुना करेंगे, तो 15 से गुना आप कर ही लोगे, जब 0 से करोगे तो 0 आएगा, और 2 से करोगे 15 दुना 30, तो कितनी आ जाएगी, 300 रुपये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 300 रुपये। तो यहाँ पर 300 रुपये होगी। अगला देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 3 है। दी गई दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये आसान है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक ईंट ये है, 2 3 4 5, और ये जो ईंट है, ये वाली ईंट इसके साथ मिलकर, ये वाले के साथ मिलकर एक और ईंट बना देगी, तो इन दोनों को मिलने से क्या बन जाएगी, 6। तो अगली दीवार भी देखो आप, इसमें 1 2 3 4 5 और 6, हर जो लाइन है उसमें 6 ईंटें हैं, और हमारे पास कितनी लाइनें हैं, 1 लाइन 2 3 4 और 5 लाइनें हैं। तो हम क्या कर लेंगे, गुना करके निकाल सकते हैं, एक लाइन में कितनी है, 6 हैं, और जो लाइनें हैं ईंटों की वो हैं 5, तो इसमें कितनी लगी हैं, 30 ईंटों का प्रयोग इसमें हुआ है, 30 ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा बच्चों, हुआ है। तो ये हो गया। अगला देखते हैं, एक ठेकेदार ने 500 ईंटों के लिए, तो अब ये देखो यहाँ पर जो ईंटें हैं ठेकेदार ने कितनी ली हैं, 500 ईंटों के लिए उसने 5000 रुपये खर्चे हैं। कितने लिए हैं, 5000 रुपये। एक ईंट का मूल्य ज्ञात करना है, तो वैसे ही है 500 ईंटों का मूल्य, 500 ईंटों का मूल्य, ईंटों का मूल्य कितना है, हमें 500 ईंटों का मूल्य दिया है 5000 रुपये, 5000 रुपये, ये हमें ज़्यादा का दिया हुआ है, हमें निकालना है एक ईंट का। तो एक ईंट कम है का मूल्य निकालना, जब कम का निकालना है तो हम भाग करेंगे, और ज़्यादा के लिए करते हैं हम गुना करते हैं, तो ये भाग कर लेंगे इसको 500, और इसको हमने पहले भी बटा करके भी कर सकते हैं, और ऐसे भी अगर बटा करेंगे, आपकी शून्य वाले हैं तो ये आसानी से हो जाएगा, इसको हम ऐसे करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और ये कितना आ जाएगा आपका, 50/5। अब 5 के पहाड़े पे ये 10 पे, तो जो एक ईंट है उसका मूल्य कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। ऐसे ही आपका सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, एक ईंट से 6 से हमें सही और गलत बताना है, और वो है कि
ये एक ईंट के 6 से अधिक कोने होते हैं, 6 से अधिक कोने होते हैं। तो हमें कोने देखने हैं, तो वही दोबारा बात आ जाती है, पहले ईंट को देख लेते हैं। तो इस ईंट को अगर देखें तो सिर्फ कोने देखते हैं, यहाँ पर लाइनें मिलती हैं, वो कोना बनता है। एक कोना ये है, ये ईंट भी लाल है ना, मैं निशान भी लगा रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा है, ये दो कोने, तो इसी प्रकार ये ऊपर की तरफ, ये तीसरा और ये चौथा, 4 कोने हो गए ना। एक नीचे ये है 5, एक ये है 6, एक ये है 7। ये तो हमें उत्तर मिल ही गया कि 6 से अधिक है, और एक नीचे की तरफ यहाँ पर होगा, यहाँ नीचे की तरफ होगा वो, तो एक ही है, तो 8 कितने होंगे, 8 कोने होंगे। तो 8 कोने 6 से अधिक होते हैं, ये बात सही है। हाँ सही है, ईंट के 8 कोने होते हैं। तो जब 8 कोने हैं तो वो 6 से अधिक है ही, वो 6 से अधिक हैं, तो ये सही है। अगला देखते हैं, अगला है ईंट बनती है, हमें बताना है, सही पर निशान लगाना है इसमें कि ईंट किस चीज से बनती है। पत्थर से बनती है, पत्थर तो पहले ही मजबूत होता है, मिट्टी से बनती है, लकड़ी से बनती है, कांच से। तो कांच से नहीं, ना लकड़ी से बनती है, तो किससे बनती है, मिट्टी से। मिट्टी को पहले क्या करते हैं, पानी में घोल के उसका एक तरह से तैयार करते हैं, फिर उसको ईंट बनाते हैं, फिर उसको पकाते हैं, तो मिट्टी से ईंट तैयार होती है। ये जो 7वां है, दी गई दीवार में एक जाली या झरोखा, ये बच्चों आप खुद से करना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा इसमें कोई भी एक जाली का पैटर्न बनाओ और उसमें रंग भर लेना। तो ये देखो मैंने जैसे ही एक बनाया है, तो इसमें आप ऐसे फिर जैसा आपको लगे ऐसे बाउंड्री बना लेना, और फिर उसमें कोई भी डिजाइन तुम्हें अच्छा लगे वो बना के एक बन जाएगा। तो ऐसे इसको आप यहाँ पर कर लेना, ये ऐसे आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, सबसे लंबी ईंट पर गोले का निशान लगाना है। जो पहली ईंट है वो 3 सेंटीमीटर की है, ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर की। अगली ईंट क्या है, ये 8 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये जो 8 सेंटीमीटर की ईंट है ये सबसे बड़ी ईंट है, इस पे ही आपने निशान लगाना है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला नेक्स्ट चलते हैं, यदि एक ट्रक में 5,000 ईंटें भरी जा सकती हैं, तो 1 लाख ईंटें भरने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही है, हमें बताना है कि जो 5,000 ईंटें हैं वो कितने में आती हैं, वही इकाई का सवाल है ये। तो ये है कि 5,000 ईंटें आती हैं, आपने ऐसे करना है, 5,000 ईंटें भरी जाती हैं, भरी जाती हैं, कहाँ भरी जाती हैं बच्चों, वो एक ट्रक में, तो कितने में, एक ट्रक। तो इस प्रकार एक ईंट भरी जाएगी, इकाई का है तो इसका क्या आएगा, कम आएगा, तो 1/5,000, 1/5,000 ट्रक है ना। फिर हमें भरनी है 1 लाख, तो उसके लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख। 1 लाख ईंटें भरी जा सकती हैं, उसके लिए आप अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। वो एक ईंट के लिए था, कम की जरूरत पड़ेगी, तो 1 लाख ईंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, ये 3 जीरो हैं, ये कट जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ऊपर 100 बच जाएगा, नीचे 5, फिर इसको काट लेंगे हम, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और ये 20, तो ये 20 ट्रक आ जाएगा। उत्तर क्या आएगा आपका, 20 ट्रक, ये सही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कर लेना। अगला है 100,000 ईंटें, ध्यान से देखो, 100,000, 100,000 ईंटें, बस अब आप इसे कर पाओगे ना। तो 100, 100 तो हो गए, फिर हजार है, तो हजार से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, एक को एक से गुना करेंगे, तो 2 जीरो ये हैं, 3 ये, तो गुना करके 5 जीरो आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा इतनी ईंटें। तो अब आप इनको देख लेंगे कि कितनी ईंटें हैं, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, तो 1 लाख ईंटें, 1 लाख ईंटें, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, 12 गुना 12 सेंटीमीटर की एक दीवार बनानी है। तो आप अपना स्केल लीजिए और स्केल को ऐसे रख लीजिए, फिर यहाँ देखिए कि ये जो स्केल है, यहाँ से ये निशान लगा के ये, और फिर 12 सेंटीमीटर कहाँ तक बनता है, यहाँ तक बनता है ना, तो यहाँ तक आपने एक लाइन लगा लेनी है। तो ये लाइन लगा लेंगे, फिर दोबारा से स्केल को इस तरह रखिए,
और यहाँ पर भी ऐसा ही करना है आपने, ये जी ये यहाँ से लेकर और 12 कहाँ तक बनता है आपका, ये 12 बन रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक आपने एक लाइन और लगा लेनी है। ये लाइन दूसरी लगा ली, फिर इसी के साथ एक लाइन और लगा देंगे ऐसे, और फिर ऐसे, तो ये क्या बन जाएगी, ये एक 12 बाई 12 सेंटीमीटर की दीवार बन गई है। अब इसमें आप एक एक सेंटीमीटर पे, कैसे, एक एक सेंटीमीटर पे जैसे यहाँ 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 ऐसे लाइनें लगा लीजिए। जब लाइनें लगाओगे तो ये ऐसे एक एक सेंटीमीटर की दीवार की इंटे बना लेंगे इसमें, है ना। तो ये ऐसे बन जाएगी, तो यहाँ पर ऐसे करके आप इसे बना लीजिए, ये बन चुकी है ऐसे, तो ये बन जाएंगी। फिर इसमें अपने आप से इंटों का डिजाइन बना लीजिएगा, तो मैं ये बना देता हूँ आपके लिए। ये तो ऐसे आप इंटों का डिजाइन इसमें बना लोगे और ये बन जाएगी, ये आपकी 12 बाई 12 सेंटीमीटर की क्या बन गई बच्चों, एक दीवार बन गई है। तो इस प्रकार आप इसमें ये निशान लगा लगा के दीवार बना लीजिए, तो बन गई आपकी 12 बाई 12 सेंटीमीटर की, है ना। तो 12 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी और 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। इस प्रकार ये आपकी दीवार बन चुकी है। आगे देखते हैं, नीचे बनाई गई आकृतियों में से, यहाँ पर क्या है, नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है। तो हमें बताना है कि ईंट की सतह कौन कौन सी दर्शाती है। तो पहले ईंट को देख लेते हैं एक बार। ईंट की दो सतह हैं, एक तो ये है और एक ये है इधर, और एक ये है। तो ये तो नहीं है, या तो ये हो सकती है, और अगर इस तह को देखें तो तह की थोड़ी वर्गाकार भी हो सकती है, कुछ इंटे बनती हैं आजकल वर्गाकार में भी, लंबाई ज़्यादा होती है, तो ये भी हो सकता है। तो ये दोनों लगभग, ये वाली और ये वाली, जो हैं किस प्रकार की नजर आती हैं, जो ईंट की तह को दर्शाती हैं। यह भी है आजकल जो गलियां वगैरह बनती हैं उनमें इस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो जो मेन है वो ये है, ये दो सतह है जो ईंट के आकार को दर्शाती हैं। तो ये आपके सही उत्तर होंगे। फिर है ईंट के फर्श के पैटर्न बनाइए। ईंट के फर्श देखे होंगे आजकल, तो कंक्रीट पत्थर या टाइलों से बनते हैं ना, तो पहले ईंटों से बनते थे। तो ईंटों को लगाने का तरीका है, एक देखिए, ये देखिए कि सीधा ईंटों को लगा रखा है ना, एक पैटर्न ये बन जाता है, ये आप बार बार अपनी कॉपी में ड्रा भी करते हो। और दूसरा, एक ये देखो, तीन ईंटों को ऐसे लगाया है, फिर तीन ईंटों को घुमा के दूसरी तरह से लगाया है, तो एक पैटर्न ये बन जाता है ईंटों के फर्श का। एक और देखते हैं, एक पैटर्न ये देखो, बाहर की तरफ बनाया है, फिर अंदर की तरफ बनाया है, फिर चौकी बना के फिर बीच में ऐसे, तो एक पैटर्न ये और भी हो सकते हैं, एक पैटर्न ये है देखो ईंटों का। तो इस प्रकार आप कोई भी दो जो आपको अच्छे लगे वो फर्श के पैटर्न बना सकते हो। बच्चों मैंने यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, आप अपनी जो इमेजिनेशन है उससे और तरह के फर्श भी बना सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों। यदि एक ईंट की कीमत, यहाँ पर ईंट की कीमत दे रखी है हमें, अगर एक ईंट की कीमत 5 रुपये है तो 350 ईंटों की कीमत निकालनी है। तो इकाई का सवाल है ये भी, यहाँ पर आ जाएगा एक ईंट की कीमत, जो एक ईंट है, एक ईंट की कीमत कितनी है, एक ईंट की कीमत है 5 रुपये। कीमत है कितनी है बच्चों, वो है 5 रुपये, और हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 350 ईंटों की। 350 ईंटों की कीमत है, तो ये ज़्यादा की निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं बच्चों, ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं, तो ये 5 से इसको गुणा कर लेंगे, तो गुणा का सवाल है, तो 350 को यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं, 350 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 का पहाड़ा 0 तो पड़ेंगे, 0 ही आएगा, फिर 5 का पहाड़ा 5 तक, 5 5 25 आ जाएगा, 2 आपके पास हासिल आएंगे, ये हासिल आगे जोड़ देंगे, 5 दिया 15 और 2 हासिल थे, तो ये 17 हो गए आपके, तो ये कितना आ जाएगा, 1750 रुपये। कितना उत्तर आ गया आपका, 1750 रुपये, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, जो है दीवार नहीं बनाई जा सकती, ये 15वां सवाल है इस जो एक्सरसाइज है हमारी, और ये इसका लास्ट सवाल भी है। वो कह रहा है कि दीवार किससे नहीं बनाई जा सकती, हम ईंटों से, हाँ ईंटों से दीवार बन सकती है, बात सही है, लकड़ी से, हाँ लकड़ी के फट्टों से भी दीवार बन सकती है, पानी से, अरे पानी से दीवार कहाँ बन सकती है, ठीक है, लोहे से भी दीवार बनती है, आजकल बैंकों में जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग रूम बने होते हैं उनमें लोहे की दीवारें होती हैं और उनमें लोहे के ही दरवाजे लगे होते हैं, तो ये तीनों तो ठीक हैं, तो पानी से दीवार नहीं बनाई जा सकती, तो ये उत्तर हमारा सही जाएगा, तो इन तीनों से दीवार बन सकती है, तो सही उत्तर ये जाएगा, इसको आपने टिक करना है।
ठीक है, उसने पूछा कि जिससे दीवार नहीं बन सकती। तो ये बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज है उसके सवाल हो चुके हैं, आप इसे एक दो बार अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और इन सवालों को अपनी नोटबुक में भी नोट कीजिए। सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।